वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। बीएससी के बिग बुल और शेयर मार्केट के जादूगर कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला निसंदेह भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। राकेश झुनझुनवाला आज न सिर्फ मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है, बल्कि वो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी गिने जाते हैं। एक मामूली परिवार से आने वाले राकेश झुनझुनवाला आज भारत के वॉरेन बफेट और शेयर मार्केट के जादूगर हैं। जितनी बड़ी हस्ती है ये, उतनी ही दिलचस्प है इनकी बिग बुल बनने की कहानी। उन्हीं की कहानी पर जनसत्ता की खास पेशकश। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता राधेश्याम झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उनकी शिक्षा सिडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से हुई थी। चौदह साल की उम्र में जब राकेश ने अपने पिता से शेयर मार्केट के बारे में पूछा था, तो इनके पिता ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि इनका बेटा एक दिन शेयर मार्केट का बादशाह बन जाएगा। पिता की सलाह पर इन्होंने मार्केट की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। दोस्तों के बीच भी ये मार्केट की ही बात करते रहते थे। पिता के दबाव में इन्होंने CA की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन इनका दिमाग हमेशा शेयर मार्केट में ही लगा रहता था। राकेश झुनझुनवाला ने जब मार्केट के बारे में पर्याप्त पता कर लिया, तो इन्होंने अपने पिता से निवेश करने के लिए पैसे मांगे, लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि ये पैसे तुम्हें खुद कमाने होंगे। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने कुछ जगहों पर काम किया और 5,000 रुपये जुटाए। इन्हीं पैसों से 1985 में उन्होंने BSE में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि इनको अपना पहला बड़ा मुनाफा 5 लाख रुपये का 1986 में मिला, जब इन्होंने टाटा के 5,000 शेयर खरीदे। इस प्रॉफिट से राकेश झुनझुनवाला की मार्केट में दमदार एंट्री हो गई। राकेश झुनझुनवाला के करियर में टर्निंग पॉइंट 2002-03 में आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर 3 रुपए के भाव से खरीद लिए और उन शेयर्स की कीमत 3 रुपए से 390 रुपए हो गई। राकेश की निवेश वैल्यू बढ़ के 2100 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई। हालांकि राकेश झुनझुनवाला की करियर में कई बार नुकसान भी हुए। 2011 में उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और अभी पिछले दिनों के ब्लड बाथ में भी उन्हें सैकड़ों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि मार्केट में आज भी उनकी पोजीशन एक जादूगर की है। शेयर मार्केट के सबसे बड़े निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ आज 31,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टर के अलावा रेयर इंटरप्राइजेस के मालिक भी हैं। वो टॉप सिक्योरिटी के बोर्ड डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एप्टेक लिमिटेड और साथ ही में हंगामा डिजिटल मीडिया लिमिटेड के वो चेयरमैन भी हैं। राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और उसको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि उसने जो भी शेयर खरीदा है वो आगे बढ़ेगा और उनको प्रॉफिट दिलाएगा। राकेश झुनझुनवाला के बारे में आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।